फर्स्ट है मायोपिया, जिसे ऑल्सो कहते हैं शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस। मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दाउ ही कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस, नियर साइटनेस। मायोपिया जो है इसमें लेटर का यूज, अल्फाबेट का यूज किया हुआ है, कम हुआ है, तो इसका नाम क्या है? शॉर्ट साइटनेस। दूसरा नाम क्या है? नियर साइटनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आप नजदीक की वस्तु को ठीक ठाक देखते हैं, आप दूर की वस्तुओं को ठीक ठाक नहीं देखते हैं। ठीक है, आपके पास कम है तो आप कम चीजें में खुश हैं, यानी कि आपका शॉर्ट डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसे आप आसानी से देखते हैं, नजदीक की वस्तु है उसे देखने में आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको प्रॉब्लम किस में है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स में। क्लियर? तो ये भी अब आपको कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि शॉर्ट साइटनेस का मतलब ये नहीं है कि नजदीक की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम यदि रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया। सच अ पर्सन कैन सी क्लियरली ओनली अप अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स और इवन लेस। ऐसे व्यक्ति कुछ ही मीटर तक के दूरी की वस्तुओं को या उससे भी कम की दूरी की वस्तुओं को आसानी से अच्छी तरह से देखते हैं और उसके बाद की वस्तुओं को वो उन्हें धुंधला दिखाई देता है। द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड मायोपिया और साइट साइटनेस इज कॉज्ड ड्यू टू, नंबर वन, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ, और नंबर टू ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। दो कारण से मायोपिया किसी व्यक्ति को होता है या शॉर्ट साइटनेस होता है। पहला कि उनका जो आई लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है, आई लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज्यादा हो गया है। यदि आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा तो भी मायोपिया हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा। क्लियर? फोकल लेंथ छोटा होगा तो कन्वर्जिंग पावर क्या होगा? बड़ा होगा। यानी मायोपिया छोटा है ना, मायोपिया में अल्फाबेट छोटा है तो यहां फोकल लेंथ क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। फोकल लेंथ क्या हो जाएंगे आपका? स्मॉल हो जाएगा। किसका? आई लेंस का। और हम लोग जानते हैं कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यदि छोटा रहेगा तो पावर ऑफ आई लेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी कन्वर्जिंग पावर आपका ज्यादा होगा ड्यू टू अ स्मॉल फोकल लेंथ। और दूसरा ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। और दूसरा कारण है क्या? यदि आई बॉल की लंबाई भी यदि बढ़ जाएगी तो भी हमारे को मायोपिया हो जाएगा। यानी आई बॉल यदि बड़ा हो गया तो भी मायोपिया होगा, और नहीं तो आई लेंस का फोकल लेंथ यदि कम हो गया, छोटा हो गया, तो भी मायोपिया हो जाता है। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना इट्सेल्फ। मायोपिक यदि कोई आई है, ठीक है ना, ये आपका कोई मायोपिक आई में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाती है। तो यदि हमारा आंखें सही है तब तो इमेज रेटिना पर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि हमारा आई जो है मायोपिक आई है, यानी हमें मायोपिया हो गया है, ठीक है, तो हमारे को इमेज जो बनते हैं वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के से थोड़ा सा आगे बन जाते हैं। इमेज क्या होते हैं? रेटिना से फ्रंट में बनते हैं, रेटिना के फ्रंट में जाकर के इमेज बनते हैं। और दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। और इस मायोपिक जो प्रॉब्लम है, मायोपिक आई का जो प्रॉब्लम है, इसके डिफेक्ट्स को हम लोग ठीक कैसे करते हैं? कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, है ना, और उससे हम लोग क्या करते हैं? मायोपिया को ठीक करते हैं। क्योंकि मायोपिया में हम लोग दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमेज जो है
वह हमारे को रेटिना पर न बन करके रेटिना से थोड़ा सा आगे बन रहा है, तो इसको करेक्शन करने के लिए हमारे को कैसा लेंस चाहिए? कॉनकेव लेंस चाहिए, वो लेंस जिसका पेट जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, दैट लेंस इज अ कॉनकेव लेंस। ए कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। और ये कॉनकेव लेंस क्या करता है, इसको इस तरह से फिर कर देता है कि हमारा जो आई जो कॉन्वेक्स लेंस है यह दोनों मिल जाता है और मिल करके फिर आपको इमेज जो है वह रेटिना पर बनने लगता है। क्लियर? द होल पर्पस ऑफ यूजिंग अ कॉनकेव लेंस हेयर इज टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो जो कन्वर्जिंग पावर जो आई लेंस का बढ़ गया था, ठीक है ना, ड्यू टू रिड्यूस्ड फोकल लेंथ के घटने के चलते कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बढ़ गया। अब इस बढ़े हुए कन्वर्जिंग पावर को कौन घटाएगा, कॉनकेव लेंस, है ना, क्यों, क्योंकि ये जो कॉनकेव लेंस जो होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, या डाइवर्जिंग लेंस है। तो जब लेंस डाइवर्जिंग है तब न यह कन्वर्जिंग पावर को घटाएगा, इसीलिए यह डाइवर्जिंग लेंस जो है वह हमारे आई के कन्वर्जिंग पावर को रिड्यूस कराता है। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं इन मायोपिया, मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। द कॉनकेव लेंस यूज्ड हियर डिक्रीजेस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस एंड हेल्प इन फॉर्मिंग द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ द मायोपिक आई। और इस प्रकार से कॉनकेव लेंस जो है वह कन्वर्जिंग पावर को रिड्यूस करके आपका जो इमेज जो है रेटिना पर न बन करके रेटिना के फ्रंट में जो बन रहा था उसे फिर कहां बनाने लगते हैं, रेटिना पर बनाने में सक्षम हो जाते हैं। सैंपल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम देखिए, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट क्या है, 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, ठीक है, आई के फ्रंट में वो 80 सेंटीमीटर इमेज बन रहा है। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए किस पावर का लेंस यूज होगा और उसका नेचर क्या होगा, तो हम लोग तो जानते हैं कि मायोपिक कोई पर्सन हो तो उसके लिए कौन सा हम लोग लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, है ना। चलिए इसे हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं सॉल्यूशन। हमारे को दिया हुआ है द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, जो हमारा रेटिना है उसके 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट बन रहा है, यानी इमेज डिस्टेंस जो हमारा जो बन रहा है वह हमारे को क्या बन रहा है, V इज इक्वल टू हमारा जो आई लेंस है, यह हमारा आई लेंस है, क्लियर। और इमेज जो हमारे को बनना चाहिए था इस रेटिना पर बनना चाहिए था, लेकिन यहां न बनकर यहां बन रहा है, और ये जो बन रहा है इस आई लेंस से इसकी दूरी जो है इमेज की वो V जो है वो 80 सेंटीमीटर है, तो ये किधर है, राइट साइड में है ना, लेंस के राइट साइड में इसके क्या होगा, -80 होगा, क्लियर। तो V लिखेंगे हम लोग क्या, -80 सेंटीमीटर, और हमारे को U क्या होगा, इन्फिनिटी है ना, फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन, तो चलिए U इन्फिनिटी है। F निकालना है, F इज इक्वल टू वाट, और पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू वाट, क्लियर है। तो हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो By lens formula, from lens formula. Lens formula क्या कहता है, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. Clear? तो यहां से हम लोग निकालते हैं 1 by F is equal to 1 by V, 1 by minus 80 minus 1 by infinity. Clear? तो 1 by infinity. इन्फिनिटी से 1 में डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बाई
माइनस 80, माइनस 0, क्लियर। तो 0 को किसी भी अंक में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वो 0 ही रह जाएगा। दैट मीन्स 1/f इज इक्वल टू -1/80, दैट मीन्स f इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो आया वो क्या आ रहा है, -80 सेंटीमीटर, है ना, -80 आ रहा है। तो पावर निकाल लेता हूं, क्लियर है। तो पावर इज इक्वल टू, पावर p इज इक्वल टू 1/f, और यहां पर फोकल लेंथ जो होता है वो होता है हमारे को इन मीटर। पावर जब भी निकालते हैं तो फोकल लेंथ हमें क्या चीज में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो मीटर में बदलने के लिए 80 में 100 से डिवाइड कीजिए, दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर होगा, है ना। फोकल लेंथ वही हो जाएगा, 0.8 मीटर हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू हमारे को क्या हो जाएगा, -80 है तो 1/-, रहेगा और ये भी माइनस रहेगा, यानी -0.8, क्लियर। दैट इज इक्वल टू, यहां से हटाइए तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। और 5 × 2 = 10, 4 × 2 = 8, 4 से 5 को काटे तो 1.25 टाइम में कट जाएगा। दैट इज इक्वल टू पावर p इज इक्वल टू -1.25। क्या इसका यूनिट होता है पावर का, डायोप्टर्स, डायोप्टर्स। तो पावर जो है वो हमारा क्या चीज में है, निगेटिव में है, यानी फोकल लेंथ भी निगेटिव में है, इसलिए हमारा लेंस कैसा होगा, लेंस हमारा कॉनकेव होगा, कॉनकेव लेंस। आंसर क्लियर।